नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल किसान की लाइफ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार बेहतरीन पावर वीडर दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है होंडा पावर वीडर। ये बहुत ही शानदार पावर वीडर है। आया हूं मैं वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर और दिखाने वाला हूं बहुत ही शानदार जो किसानों के काम आने वाला पावर वीडर। जानकारी लेते हैं, कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, अपना छोटा सा परिचय करा दीजिए। मेरा नाम सुमित कुमार है जी, और मैं होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट में वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड टेरिटरी देखता हूँ। अच्छा। और यहाँ से जितने भी संबंधित एरिया हैं जी, किसान भाई हैं, उनकी सलाह और मशवरा के लिए जी मैं उपलब्ध रहता हूँ हमेशा। अपना होंडा का जो पावर वीडर है ये जी, तो ये होंडा जो है पावर वीडर कितने एचपी के अंदर बनाती है, सबसे पहले सर? देखिए, हमारे 2 HP से लेकर के 5.5 HP तक के 3 पावर वीडर बनते हैं। अच्छा। जो अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं, ये 2 HP का पावर वीडर है। ये अपना 2 HP का है जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अपने वो चाइना वाले होते हैं, उसके तो समान ही लगता है कि 7 HP का होगा, ऐसा दिखने में लगता है ये। देखिए, आपका 2 HP का आपने बहुत बड़ा बना दिया ये भी जी। नहीं, मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा जी। जैसे हर एक इक्विपमेंट बनाने के लिए ना एक टेस्टिफाइंग एजेंसी होती है जी जी, वैसे ही इस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट करने के लिए FMTTI है। अच्छा। जो भारत में 4 यूनिवर्सिटी करती हैं। अच्छा। जो कुछ एक तेलंगाना में है, एक हिसार में है जी, एक आपका गुजरात में है और एक अपने ईस्ट साइड कहीं पर है। अच्छा। तो ये 4 यूनिवर्सिटी टेस्टिफाई करती हैं। ये हमारा FMTTI से अप्रूव्ड है। FMTTI से जो है अप्रूव्ड है जी। अप्रूव में क्या क्या है इसके अंदर आपने? वही इसका इंजन टेस्ट होता है। अच्छा। कितने घंटे ये चल सकता है जी, इसके जो बेल्ट ड्रिवन है ये बेल्ट ड्रिवन में कितना ट्रैक्शन है जी, जो इसकी टिलिंग है जी, कितने इंच गहराई तक ये टिल कर सकता है, कितने इंच लंबाई तक टिल कर सकता है जी, ये सारी टेस्टिंग होती है। जो आप दूसरे इंजनों की बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ स्टिकर मात्र हैं। बिल्कुल जी। उनके पास टेस्टिंग नहीं होती है। बिल्कुल जी। अगर टेस्टिंग होगी तो सही चीज लगाएंगे। अच्छा। है ना। तो ये 2 HP पे हमारा टेस्ट है। थोड़ी आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ जी। ये 18 इंच तक की इसकी लेंथ में ये टिल कर सकता है जी। जो भी आप क्या कहते हैं गन्ने में जो खरपतवार लगती है मोड़ियों के बीच में जी, अगर 28 से 30 इंची के बीच का वो नाली है जी, तो उसमें ये अच्छे से कर सकता है। 3 अच्छा। इंच नीचे तक ये आपकी मिट्टी को निकाल के गहराई कर सकता है उसमें। अच्छा। प्लस इसकी जो टंकी है फ्यूल की, ये 1.4 लीटर की है। अच्छा। और 1 लीटर में ये किसान भाई को 2 से 2.5 घंटे का एवरेज आराम से दे देता है। अच्छा, मतलब घंटे में कितना तेल लेगा लगभग? घंटे में आधा कर दीजिए। अच्छा अच्छा। तो अब बात करता हूँ सर मैं इसके जो है, जैसे कि आपने इसमें सिस्टम दिया गया है बिल्कुल अलग दिया गया है, और ये जो पावर वीडर से बिल्कुल अलग है ये आपका, क्योंकि आपका ये आगे सिस्टम ही है, ये बहुत बेहतरीन बनाता है इसके लुक को जो है। तो ये बताइए, होंडा जो है कब से ये पावर वीडर बना रही है जो है? देखिए, अगर आप होंडा की बात कर रहे हैं तो हम 1985 में इंडिया में आए थे जी जी, और उस टाइम पे हम लोग जो 4-स्ट्रोक इंजन जो हमारा पेट्रोल का है जी, उसके बेसिस पे हम अपने जेनसेट सेगमेंट में। अच्छा। जैसे 80 और 90 का दशक हटने लगा जी, हम फिर ये एग्रीकल्चर लाइन में आना शुरू किए जी। उसमें सबसे पहले जैसे उस टाइम पे केरोसिन के, LPG के, उससे निर्धारित हमारे वाटर पंप आते थे। अच्छा। ठीक है, उससे चलने के लिए जी। फिर धीरे धीरे हमने उसको रिप्लेस करके हम सीधे गैसोलीन पे आए, जिसमें हमारा पेट्रोल आता है जी। क्योंकि हमको देखिए आने वाले समय में एनवायरनमेंट को भी देखना है जी। बाकी की जो चीज़ें हैं, चाहे डीजल हो गया या जो जैसे ये पेट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके इंजन की जो क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं है, तो इसलिए हमारा ग्लोबल लेवल पे अच्छा ये सबसे कम पोल्यूशन निकालता अच्छा, है। जैसे ही मुझे लग रहा है पोल्यूशन के हिसाब से भी देखना। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि ये चैन ड्राइव के अंदर है। बेल्ट ड्राइव के अंदर। बेल्ट ड्राइव में और चैन ड्राइव में क्या लाभ है अलग अलग? देखिए, चेन जो होती है उसके उतरने का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है। अच्छा। अगर वो उतरेगा तो किसान भाई से वो लगेगा नहीं। बेल्ट ड्रिवन है, ये उतरता नहीं जी, ये उतर ही नहीं सकता। अच्छा। लूज नहीं होता है। अच्छा अच्छा। अब मैं बात करूं सर, जैसे कि मान के चलो रोटरी आपने बताया कि 3 इंच की उसकी रोटरी है, रोटरी को हम जो कोई सी फसल हमारी छोटी है उसमें हम लेते हैं तो छोटी बड़ी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कितनी तक कर सकते हैं? इसको घटा करके आप 12 इंच का भी कर सकते हो। अच्छा, 12 इंच का भी कर जी, सकते हैं। अभी ये 18 है, 12 हो जाएगी जी जी, इसका भी से हम कर सकते हैं। सर ये पीछे जो दिया गया, ये क्या सिस्टम दिया गया है इसमें? ये देखिए, ये बैलेंसिंग के लिए भी आप समझ सकते हैं। अच्छा। और कुछ हद तक जो इसके बीच की हल्की सी जो मिट्टी रह जाती है उसको हटाने के लिए भी कह सकते हैं। अच्छा। और इसी के ऊपर दूसरी चीजें भी
जैसे कि येलो रीजर आ गया, अच्छा वो इसी के ऊपर लगता है, ये हैंडल हट जाएगा, ये हैंडल हट का, इसमें ये बैलेंसिंग के लिए, ये सीधा जाने के लिए। इसमें क्या क्या लगा सकते हैं सर हम? इसमें एक येलो रीजर अटैचमेंट आती है, लेवलर अच्छा। आता है, ये सब लगा सकते हैं। अच्छा, जो जैसे कि हमारे किसान भाई से यूज कर रहे हैं जी, तो सर हमें जो इसका डेमो उपलब्ध कराएंगे आप जो है जी? आप मेरे को जगह बता दीजिए जी, अगर इस क्षेत्र के आसपास में कहीं आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी तो हम इसका डेमो भी यूज करवा सकते हैं जी। और जो मेले के आखिरी वाला दिन है जी, उसमें जो इससे बड़ा वाला है, जो 4.8 एचपी वाला जो हमारा अच्छा। टेलर है, हम उसका भी डेमो आपको दिलवा देंगे। अच्छा अच्छा, तो सर बात करता हूँ मैं इसके, जो जैसे कि इसमें क्लच दिया गया है, ब्रेक दिए गए हैं, और ये सिस्टम क्या है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये आपका रेस है जी जी, आप देखेंगे इसके ऊपर जो साइन बना हुआ है कछुए और खरगोश का जी जी, जब कछुए की तरफ रहेगा तो धीरे रहेगा जी, आप जब इसको बढ़ाएंगे तो तेज हो जाएगा। अच्छा, इससे ये इसकी रेस को है, अच्छा ये खड़ा रहेगा, जब तक आप इस लीवर को नहीं खींचेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा जी जी, जब आप इसे खींचेंगे ये आगे बढ़ना शुरू होगा जी। ये सिंपल ऑन ऑफ का बटन है, अच्छा अभी ये ऑफ की तरफ है, इधर करेंगे ऑन, ये ऑन होने के बाद आप रिकॉइल को स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा, इसकी स्पीड अपने निर्धारित जो आपको स्पीड चाहिए उससे रख सकते हैं, क्लच दबाएंगे और ये आगे चलना शुरू होगा। अच्छा, बात करता हूँ सर इसकी गारंटी वारंटी के बारे में, क्या गारंटी वारंटी होंडा देती है इस सेगमेंट में, चाहे आप लोकल या ब्रांडेड की बात करें जी? एकमात्र होंडा ऐसी कंपनी है जो 2 साल की आपको वारंटी देती है। नहीं, 1 साल की वारंटी देते हैं, और कंपनियां तो आपकी होंडा तो बहुत अच्छा दे कर रही है। मेरे ख्याल से कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो नहीं भी देती हैं और 6 महीने की देती हैं, बिल्कुल नाम मात्र, लेकिन हम लोग 2 साल की आपको देते हैं, इसके साथ आपको सर्विस बुक भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। अच्छा अच्छा, अब सर मैं बात करता हूं जैसे क्या इसके और अटैचमेंट आपने क्या क्या यहां स्टॉल में लगाए हुए हैं मेले के अंदर, थोड़ा सा इसके साथ अभी अटैचमेंट जो है वो येलो रीजर आता है, अच्छा इसमें ब्लू रीजर आता है जी, और इसमें एक लेवलर आता है जी, ये सारी अटैचमेंट इसके साथ अलग से आती हैं। अच्छा, तो वो अलग से आपको प्रिक्योर करनी पड़ती है अपने हिसाब से। जैसे किसान भाई आपसे काफी लिए होंगे कंपनी से, तो उनके क्या फीडबैक होंडा के बारे में है, ये पावर वीडर के बारे में? इस पावर वीडर के बारे में सबसे बड़ा फीडबैक तो ये है कि जो डीजल वाले और दूसरे चाइनीज वाले हैं वो बहुत वाइब्रेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा ट्यून्ड है और टेस्टेड है, हमारे में वाइब्रेशन नहीं है। अच्छा, है ना, कुछ हद तक सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये उसके लिए भी कैपेबल है। अच्छा, अगर वो हार्ड सॉइल है तो आप आगे की तरफ इसका एक हैंडल देख रहे होंगे जी, उसके आगे होंडा की तरफ से एक वेट किट आता है। अच्छा, वो मात्र 600 रुपए का है। अच्छा, वेट किट लग जाएगी आगे, वेट किट लग जाएगी। अच्छा, तो जो हल्का फुल्का आपको अगर मिट्टी हार्ड होने की वजह से आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब सर जैसे कि बात करता हूँ मैं किसानों को पसंद आ रहा, अब किसान को इसके जो लाइफ लंबी, इससे जो लंबी लाइफ के लिए इसमें ऐसी क्या चीज़ें डालें जो क्या लंबे समय तक इसे चला सकें? सर देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है यही टेक्नोलॉजी आपकी कार बाइक सब में यूज होती है, बिल्कुल बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी बना हुआ है जी। इसका सीधा है कि आप इसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहिए। अच्छा, जितनी बढ़िया सर्विस और मेंटेनेंस रहेगी उतना लंबा ये आपका चलेगा। CL वगैरह कौन से नंबर का डालें? वो आपको डीलरशिप पे मिलेगा। अच्छा अच्छा, 10x30 का इसमें डलता है, वो आपको डीलरशिप पे मिलेगा। अब जैसे बात करता हूँ, मेरा किसान भाई ऑल इंडिया से है, तो इसकी जो है डीलरशिप हर जगह है इसकी जो है? इसकी पैन इंडिया लेवल पे डीलरशिप है। किसान भाइयों के लिए हमने इस साल से एक और अच्छी वो की है जी, जैसे कि हमारे कुछ क्षेत्र में किसान भाई जो है जी वो मोबाइल पे भी बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं जी। तो आप होंडा की वेबसाइट पे जाइए, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट की वेबसाइट डालिए गूगल पे, वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे जाइए, अपना पिन कोड डाल दीजिए जी। अपना जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे आपके आसपास में जो भी बंदा डीलर होगा वो आ जाएगा। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जाकर नहीं लेना चाहते जी, आप सीधे उस पिन कोड पे जाकर के उस डीलर को सेलेक्ट करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करके पेमेंट करिए जी, और ऑनलाइन परचेज कर लीजिए जी। मटेरियल डायरेक्ट होंडा से आपके पास आएगा और वहीं आपका PDI हो जाएगी और फिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसके प्राइस के बारे में किसान भाइयों को इसका प्राइस बताइए, क्या प्राइस है इसका? ये 55,000 का है जी, जो होंडा की MRP है वो 55,000 की है जी, लेकिन यहाँ पे किसान भाई अगर इस मेले में लेते हैं जी तो ये 50,000 को उसको अवेलेबल हो जाएगा, 5,000 का उसके लिए, 5,000 की एकदम छूट मिल रही है, 3 दिन के लिए छूट है स्पेशल, जो बुकिंग करा देता है चाहे बाद में ले ले, बुकिंग करा दे, बिल्कुल। अच्छा, तो किसान भाइयों देखिए बहुत ही शानदार जानकारी सर जी ने दी कि स्पेशल मेले के लिए शानदार हो। अब सर जैसे क्या मैं इधर वाटर पंप वगैरह आपसे देख रहा हूँ, ये भी मेरे मन में आया कि क्यों ना किसानों को ये भी मैं दिखा दूँ, बिल्कुल। तो सर इन वाटर पंप के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारे पिछले साल ही न्यूली लॉन्च वाटर पंप है। अच्छा अच्छा, ये WB30XD 3 इंच में आता है जी जी, ये WB20XD ये 2 इंच में आता है। किन क्षेत्रों में काम करता है? देखिए हमारे जैसे कुछ क्षेत्र जहाँ पे वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर है, 20 फुट के आसपास है, जैसे गंगा के किनारे हैं, यमुना के किनारे हैं, यहाँ पे जैसे गंगा किनारे या कुछ कुछ जगह पे आप जैसे बुलंदशहर जगह चले जाओगे या फिर आप थोड़ा सा
खतौली की तरफ चले जाओगे वहाँ पे क्या है पानी का लेवल ऊपर है। अच्छा, वहाँ पे किसानों ने चोए लगा रखे हैं बिल्कुल जो 20 फुट पे हैं, बिल्कुल तो डायरेक्ट लग जाता है। अभी जो हम लोगों ने स्टडी किया था, किसानों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ट्रेडिशनल जो वाटर पंप आते हैं उसमें आपको इंजन अलग से लेना होता है, वो 2 टन का इंजन बिल्कुल है ना, उस पर एम्पेलर अलग से लेना पड़ता है 50-60 किलो का वो जी, उसमें फिर पट्टा बांध करके लगाओ वो छूट गया छाट गया वो, उसमें आपको परेशानी होती है, बिल्कुल दुर्घटना होने का खतरा रहता है। उसके अलावा उसको ले जाना ले आना महाभारत है जी जी बिल्कुल, वो ट्रैक्टर से लेके जाएगा, 4 आदमी करेगा उठाने के लिए, ये एक आदमी कंधे पे उठा करके इसे इजीली ले जा सकता है, साइकिल पे रख के ले जा सकता है, बाइक पे रख के ले जा सकता है। अच्छा, सीधे इसको रखना है जी, उस चोहे पे प्लेट पे इसे कनेक्ट करना है जी, और पानी यहाँ से बाहर। अच्छा, कुछ इंपेलर नहीं, कोई इंजन नहीं, कुछ नहीं, पोर्टेबल का पोर्टेबल और यूज का यूज। अच्छा, इनका क्या प्राइस है सर? सर इसकी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, इन दोनों वाटर पंप में एक ही इंजन हमारा यूज है, 163 cc का है, 4.8 HP का है। अच्छा, ये हमारा हाई हेड है। अच्छा, ये 32 मीटर तक पानी फेंकता है जी, ये हमारा 26 मीटर तक फेंकता है। अच्छा जी, अच्छा, और ये जर ये मेगा ये इंजन है, ये पर्टिकुलरली जैसे कुछ टिलर्स में अगर अलग से आप चाहते हैं या कुछ आप बोट में चाहते हैं उनके लिए है। अच्छा, तो ये किसानों के पर्पज से नहीं है, बोट वोट के इंजन में खास करके वो आते हैं। अच्छा, और वो जैसे कोई किसान भाई है उसने कोई टिलर बड़ा लिया जी, उसके साथ कोई उसको इशू आया जी, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे हमारा ये वाला इंजन है GX200 जी, ये खास करके यूज होता है रिप्लेसमेंट में। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि होंडा जो हिंदुस्तान में आई थी वो जेनसेट से ही आई है जी जी, तो ये हमारा 2 HP का जनरेटर है। अच्छा, आपका 750 वॉट तक की इसकी आउटपुट है जी, ये भी अपना 2 से 2.5 घंटे 1 लीटर में चल जाता है। अच्छा, कहाँ कहाँ क्षेत्रों में काम आता है सर ये? ये देखिए खास करके जो छोटे हाउस होल्ड पर्पस में आप देखेंगे कि जहाँ पे 5-10 लाइट जलानी हो गई, 2-3 पंखे चलाने होंगे उसके लिए, प्लस जो हाल फिलहाल में हमने जो पाया है जी, हमारे जो किसान भाई हैं जिनके छोटे छोटे वो एक एक कमरे के जो क्वार्टर खेत के बीच में बने होते हैं, बिल्कुल का कनेक्शन नहीं होता, वो लोग इसको बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं। अच्छा, अपनी लाइट के लिए और पंखे वंखे के लिए, कि अगर दोपहर में वहाँ रुकना रह जाए तो वहाँ रुक सके। अच्छा, तो उस पर्पज के लिए सबसे ज्यादा काम आता है। बिल्कुल, आपके जूस के वेंडर हो गए वो लेते हैं, गन्ने वाले जो हो गए वो इसको लेते हैं, जो मैंने बताया जैसे हाउस होल्ड में भी ये रेगुलर बेसिस जाता रहता है। बिल्कुल, और जैसे ब्रश कटर है आपका, ये हमारा ब्रश कटर है सर जी, ये अपना 35 cc में है सर। अच्छा, 35 cc जी, GX35 सीरीज प्राइस बता दीजिए सर। इसका प्राइस है वो 35,000 है। अच्छा, 35,000 जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये होंडा का जैसा आपका ब्रश कटर है, हमारा जो है जी ब्रश कटर है जी, इसका प्राइस 32,000 का है जी, प्लस GX35 इसमें इंजन है। अच्छा, 600 ml में आपको ये 1 से 1.5 घंटे का एवरेज दे देता है। जो छोटे घास फूस है, जो जहाँ पे मेड़ियाँ बहुत छोटी हैं, वहाँ पे जैसे टिलर भी नहीं जा पा रहा है जी, उनमें ये बहुत कारगर है। अटैचमेंट कौन कौन सी लगा सकते हैं इसमें? इसमें एक तो ब्लेड आती है, एक नायलॉन कटर आता है सर। अच्छा अच्छा, इसमें ये दो घास सफाई के लिए, और ये ब्लेड ये टू टीथ ब्लेड कहलाता है ये। अच्छा अच्छा, इसका क्या प्राइस सर? ये पूरा इसी के साथ ही आता है सर, अलग से नहीं आता। कितना प्राइस है इसका? 32,000। अच्छा, तो किसान साथियों, आज आपने होंडा के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट देखे, मैं आपको वीडियो दिखा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर से, और ये होंडा का इंस्टॉल लगा हुआ है, मैंने आपको ये इनकी वीडियो दिखाई, किसान भाई आपको देख पा रहे हैं, किसान भाई को समझाने में लगे हुए हैं सर, और बहुत अच्छा समय सर जी ने हमारे साथ दिया। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।